ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपति नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को, मैं रुक गया, क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपति नहीं आई, जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुंबरा बसा तो क्यों बसा? मुंबरा अगर बसा जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था उनको, किसने उनको मार मार कर भगाया था। मैं भूल नहीं सकता हूं, बड़ी सिंपति पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछा, करोली मान को 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया, किसकी सरकार है? नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया, किसकी सरकार है? बड़े नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनेद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है, राजस्थान में जुनेद और नसीर को किडनैप करके थोड़ी देर के लिए तस्वीर की दुनिया में जाओ, जुनेद और नसीर को किडनैप किया गया, उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि दो को किडनैप कर लिए, तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर बोलो। फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपति पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपति पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। तुमको गैरों के लिए सिंपति है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं?